लोग बोल रहे हैं वो लोडर लोग हैं, लीडर थोड़े हैं। लीडर बोले तो समझ में आता है। आप बताइए कि दूसरे के घर में किराएदार कैसे बोल सकता है कि आप रहना है, रहिए नहीं रहना नहीं रहिए। बिहार में जो सरकार है वो नीतीश कुमार जी की सरकार है और नीतीश कुमार जी के मंत्रिमंडल में हम हैं, और वो जो घर जो बना है ना वो नीतीश कुमार जी के खून पसीने से बना है, माजी जी का और मुकेश सहनी और बीजेपी के मेहनत से सरकार चल रही है, और उस घर में का मालिक हम हैं। और हमें किराएदार जो हो है वो लोग हमें बोलता रहना है तो रहिए नहीं तो चले जाइए, तो उनको बोलिए कि जो घर का मालिक है उनसे बोलवाइए, किराएदार का क्या वैल्यू है। तो इसलिए वो लोग लोडर लोगों के बारे में नहीं बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। मैं तो बीजेपी के टॉप लीडरशिप को कहूँगा कि ऐसे लोडर को जिनको आगे पीछे नहीं समझदारी है ना, ऐसे लोगों को डब्बा में बंद करके रखिए, नहीं तो इससे आने वाले समय में बहुत नुकसान होगा। बिहार के जनता से जो वादा किए कि डबल इंजन की सरकार बनने से हमें ये फायदा होगा तो वो काम कीजिए, ना ही कि ये सब उलूल जुलूल बयान दीजिए। आप मुझे गिनती कराइए कि डबल इंजन के सरकार से क्या फायदा है, हमें केंद्र सरकार से क्या फायदा मिल रहा है बिहार सरकार को और बिहार के जनता को, वो आप जनता के बीच में बताइए कि हमने केंद्र सरकार से ये सहूलियत दे रहा है, ये बेनिफिट हम दे रहे हैं अन्य राज्य के अलावा, तो तब समझ में आएगा कि डबल इंजन की सरकार है। यहाँ पे आप वो काम नहीं करके आप फालतू काम करें। भाई लड़ाई किसने स्टार्ट किया, भाई बोछा सीट पे कौन दावेदारी पेश किया, क्यों किए? इससे पहले आपके पास हिम्मत था, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का दो सीट था, उसमें आपने एक बार भी बोला कि सीट पे बीजेपी उतरेगा। आप कमजोर समझ के आप हमको परेशान करिएगा, मल्ला के बेटा है, कमजोर नहीं है, ठीक है? सदियों से हम लोग पीछे रहे हैं, अभी समय आ गया खड़ा रहने का, आगे रहने का, कभी आपके पीछे नहीं चलेंगे। उसके बाद आप क्या बोलिएगा, मिट्टी में मिला देंगे? ये हिम्मत है तो आप अन्य पार्टी को बोलिए, जो जेडीयू भी तो चुनाव लड़ने के लिए जा रहा है उनको बोल दीजिए कि मिट्टी में मिला देंगे अगर चुनाव लड़िएगा तो। बिहार में रहना तो योगी जी मोदी जी जय बोलने के लिए बाकी भी दल को बोलिए, तब समझ में आएगा कि आपकी औकात क्या है। आप कमजोर समझ के अगर परेशान कर रहे हैं तो ये बंद कीजिए, क्योंकि हम लोगों ने आपके साथ रहने का निर्णय लिया, आपने हमें बुला के लिया, हम आपके पास नहीं आए थे अर्जी देने के लिए कि हम आपके गठबंधन में आना चाहते हैं। आप अपने दिल्ली के नेता से पूछ लीजिए, आप लोगों ने हमें लाया, हम तो अकेले चुनाव लड़ने के लिए जा रहे थे 2020 में। तो ये सब बयानबाजी बंद कीजिए और अपना काम कीजिए, और हमें जो काम करना है वो हम करके रहेंगे। उत्तर प्रदेश में 165 सीट पे निर्णय ले लिया तो 165 सीट पे चुनाव लड़ना है और अपने दम पे लड़ना, अकेले लड़ना है। आपको नहीं लगता है कि इससे कहीं ना कहीं आपकी जो यहाँ पे जो बिहार सरकार में मंत्री हैं बीजेपी से अगर इस तरह से दुश्मनी लेंगे तो आपके लिए सही नहीं रहेगा? नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। बीजेपी का टॉप लीडर जो सोचना सोच ले, मेरी लड़ाई है निषाद को आरक्षण दिलाना, सम्मान दिलाना, और ये लड़ाई के लिए दुनिया का कोई भी ताकत रहेगा तो उससे मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। मुझे कुर्सी का प्यार नहीं है, मुझे एमएलसी का प्यार नहीं है, सत्ता आएगा जाएगा मुझे उसका कोई परवाह नहीं है। मैं कुछ नहीं था तब मैं ये चीज मैंने पा लिया है, एक गरीब मछुआरा का बेटा 900 रुपए महीने पे नौकरी करके मुंबई जैसे शहर में साम्राज्य कायम कर लिया, यहाँ पे हम अपने समाज के लिए हमने एक बड़ा प्लेटफॉर्म खड़ा कर दिया, हमें किस चीज का एहसास है? आज 4 है, कल यही समाज हमें 40 पहुंचाएंगे, और हम संघर्ष करने वाले लोग हैं, गरीब समाज से हैं, हम संघर्ष करेंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन ऐसे लोगों के सामने कभी नहीं झुकेंगे। नहीं, यही 4 पे सवाल उठता है कि बीजेपी वाले का कहना है कि जो 4 है उसमें से 3 तो उनके, अरे ले लीजिए ना, आपको लगता है कि आपके साथ है तो ले लीजिए, अभी जाइए चुनाव आयोग की वेबसाइट पे देखिए कि किन के साथ है, और आपको लगता है कि लेने का तो ले लीजिए, फिर उसके लिए बोल क्यों रहे, किसी को डरा किस लिए रहे? विधायक जाने, विधायक से सब पार्टी चलता है, पार्टी राज्य के जनता और पार्टी के जो सपोर्टर है उनके सब चलता है। बिहार के जनता ये जो विधायक जितने भी जीत के आते हैं उस पार्टी के विचारधारा से जीत के आते हैं, और हमारे विधायक मजबूती से बीजेपी पार्टी के साथ है, अगर जाना रहता तो आज से 20-15 महीना पहले चला गया रहता, मजबूती से पार्टी के साथ खड़ा है, जब भी जरूरी पड़ेगा तो आएंगे। इससे पहले भी लखनऊ में जब पार्टी लॉन्च हुआ था सारे 4 विधायक वहां पे लॉन्च में पार्टी लॉन्च करके सबकी सहमति से उत्तर प्रदेश में पार्टी लॉन्च हुआ है, और खुद गए थे लखनऊ में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, और मुझे इस सब की परवाह नहीं है। पार्टी के लाखों कार्यकर्ता, हजारों पदाधिकारी दिन रात काम कर रहा, उससे पार्टी चलता है, विधायक मंत्री आएंगे जाएंगे ये सब चीज होते रहता है, ये जो अस्थाई नहीं है, लेकिन पार्टी का जो विचारधारा वो हमेशा अस्थाई रहना चाहिए ताकि जनता और आपके समर्थक आपके साथ रहे। अगर मान लीजिए आपको बोछा सीट नहीं दी जाती है, बीजेपी दावेदारी कर देती है, तो क्या इसके बाद भी आप रहेंगे? देने का क्या है, सिंबल हम साइन करेंगे, सिंबल वीआईपी पार्टी का रहेगा, कैंडिडेट भी वीआईपी पार्टी का रहेगा और एनडीए का रहेगा, उसके बाद किसी को समर्थन देना तो ठीक है, ना तो अगर अपना भी सिंबल लॉन्च कर देना उसमें आपत्ति किस बात का है, दोस्ताना संघर्ष कर लीजिएगा, हम किसी को मना नहीं करेंगे कि भाई यहाँ पे आप सिंबल मत दीजिए। अगर बिहार में एनडीए है तो वीआईपी पार्टी वहां पे
कैंडिडेट सबके साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी नाम घोषणा करेंगे और उसके कैंडिडेट को सिंबल मिलेगा और चुनाव लड़ेगा वीआईपी पार्टी से। और उसमें अगर किसी को लगता है इट वर्ड तो अपना भी सिंबल लॉन्च कर दीजिएगा, आप भी लड़ जाइएगा, हम भी लड़ जाएंगे, देखेंगे किसमें है कितना दम।